क्वालिटी पे एग्जाम क्रैकर। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे मैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मैंने इस कंट्रीज के सीरीज में मैंने पूरी कंट्रीज पढ़ा दिया। ये आज की लास्ट कंट्री है कोरिया, और इस कंट्री के बाद हम लोग का ये जो नोट वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा और वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी लेके आने हैं। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि इससे पहले जितनी भी वीडियो हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सभी वीडियोस की और प्लेलिस्ट की भी। और इसको पढ़ने से पहले मैंने इससे पहले जो है चाइना पढ़ाया था, क्योंकि चाइना कोविड की वजह से इस समय जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाती है, क्योंकि इस समय कोविड से सबको ही परेशान है और कोविड जो है चाइना से ही निकला है। सो इस वजह से जो है चाइना पे ज़्यादा क्वेश्चंस, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन चाइना पे बन सकते हैं, और नॉर्मली जो क्वेश्चन जीएस के चाइना पे पूछ सकता है वो अलग है, ठीक है। तो चाइना के इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं आई बटन पे उसकी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और इन सभी का नोट जो मैं ये पढ़ाता हूँ, इसका जो नोट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है एडीपी एग्जाम क्रैकर, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी के नोट मिल जाते हैं। आज ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं एमसीक्यू, उसके बाद वर्ल्ड करंट अफेयर रेगुलर अपलोड होगी। सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जैसे कि हमेशा जो है तीन क्वेश्चंस पिछले वीडियो से आपसे पूछता हूँ, और आप लोग कमेंट कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। सो प्लीज़ अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट किया करिए, अगर नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो को देखा करिए। आप ही के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर ले इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख के उसके बाद यहाँ पे आइए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाने में, अच्छा लगता है कि आप पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछला आपको बताया कि मैंने चाइना पढ़ाया था। तो चाइना पे नॉर्मली तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट अफेयर के बेसिस पे कि जो चाइना का जो चाइना देश है उसमें कहाँ पे कोविड का जो मतलब पहला केस पाया गया था, ये पूछ सकता है। लेकिन जो नॉर्मली पूछता है चाइना के ऊपर वो है थ्री क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ। कैपिटल ऑफ चाइना क्या है, वहाँ की कैपिटल मैंने आपको बताया था उस वीडियो पे। फिर है सेकेंड क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना, मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेज भी बताई है उस वीडियो में, और नोट भी इसका प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम चैनल पे। मैंने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना की क्या है, सो इसका भी आंसर दीजिएगा। और करेंसी जो चाइना की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रूपी, वैसे ही चाइना की क्या करेंसी है, ये भी मैंने बताया है, आप ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कोरिया, कोरिया देख लीजिए, ये साउथ कोरिया है, यहीं पर पास में नॉर्थ कोरिया भी है, इसी के पास में है दोनों, जो साउथ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया पहले कोरिया ही थे। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, बताइएगा हमको फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, केवल ईयर, डेट नहीं बताएंगे तभी चलेगा, ईयर भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मली क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप पूछ लीजिएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है कोरिया जो है दो पार्टों में बट गया, एक साउथ कोरिया एक नॉर्थ कोरिया, तो उसी को पढ़ना है आज कोरिया के। तो कोरिया ऑफिशियली द कोरियन पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला में यहाँ पे जो है ये कोरियन पेनिनसुला इसको कहा जाता है, इज ए रीजन इन ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के रीजन में है, और 1945 में दो पार्ट में डिवाइड हो गया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम हो गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यहाँ पे गणतंत्र हो गए लोग, आज़ाद हो गए लोग, इंडिपेंडेंट हो गए लोग, यहाँ पे कानून लागू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और दूसरा है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि नॉर्थ कोरिया क्या है, यहाँ इसका ऑफिशियल नेम हो गया डेमोक्रेटिक पीपल्स एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया है, यहीं पे नॉर्थ कोरिया भी है, ये हो गया आपका मैप। फिर हम लोग साउथ कोरिया के बारे में पढ़ते हैं, साउथ कोरिया के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर। तो साउथ कोरिया इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया, मैंने आपको बताया कि कोरिया ही पूरा ईस्ट एशिया में पड़ता है, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ईस्ट एशिया में पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिंग द साउथ पार्ट ऑफ कोरियन पेनिनसुला,
तो मैंने कोरिया को बताया कि कोरियन पेनिनसुला में है ये, पूरा कोरियन पेनिनसुला है ये, पूरा कोरियन पेनिनसुला का जो साउथ पार्ट है सॉरी जो साउथ पार्ट है वो साउथ कोरिया हो गया, जो नॉर्थ पार्ट जिसने कवर किया वो नॉर्थ कोरिया हो गया, सिंपल सी बात है। तो साउथ कोरिया क्या हो गया, ईस्ट एशिया में है, साउथ पार्ट है जो कोरियन पेनिनसुला का, साउथ पार्ट जिसने ले रखा है वो साउथ कोरिया हो गया। अब इसकी कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। और लास्ट में मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ ने बताया कि आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, नोट मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा ही देता हूँ तो आप वीडियोस मेरी पूरी नहीं देखते हैं। सो मैंने लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें नोटिस किया है, इसमें मैंने लिखा है जो मैं नोट में नहीं दूंगा, और वो क्वेश्चन जो है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। सो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, शुरू से देखते रहिए, एक बार मेरे से देख लीजिए, मेरे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप खुद नोट जो टेलीग्राम में प्रोवाइड होता है उससे पढ़ लीजिए। सो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब को एक बार में ही याद हो जाएगा, तो फिर आप आसानी से जो है जेन्यू अगर इंट्रेंस एग्जाम में अगर इस कंट्री के ऊपर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो आसानी से कर लेंगे। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, उसके बाद वो नोट आपको टेलीग्राम ग्रुप, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करने के 2-3 दिन बाद ही जो है नोट प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। सो चलिए शुरू करते हैं, आज का जो साउथ कोरिया का जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है सियोल, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोरियन, और कोरियन साइन, साइन से भी बात किया जाता है वहाँ पे, कोरियन साइन होते हैं, कई प्रकार के साइन होते हैं। आप लोग अगर जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और आप अगर कोरियन लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोरियन, और एक कोरियन साइन, साइन द्वारा डेमोनिम, मैंने कई वीडियोज में बताया कि डेमोनिम क्या होता है, मतलब वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, मतलब तो आप ये मैंने ब्लिंक कर दिया है, आप ये जरूर बताइएगा कि वहां के लोगों को क्या कहा जाएगा, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाएगा तो वहीं पे कोरिया के लोगों को क्या कहा जाएगा, एक आंसर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, मैंने बताया कि ये जैसे ही आजाद हुआ ये रिपब्लिक हो गया। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल, मतलब यहाँ पे जो है वो है ऐसे लेजिस्लेचर है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो ये हो गया प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक हो गया। लेजिस्लेचर का यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ के देखिए साउथ कोरिया के लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो जाता है आपके जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के नजरिए से कि वहाँ के लेजिस्लेचर का नाम क्या है, तो यहाँ का लेजिस्लेचर का क्या नाम है, नेशनल असेंबली। फिर यहाँ की करेंसी क्या है, कोरियन रिपब्लिक वॉन, ठीक है, करेंसी देख लीजिएगा, इसका सिंबल ये होता है डब्लू को बना के डबल कट कर देते हैं पैरलर में, ये हो गया इसकी करेंसी। फिर साउथ कोरिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम, वैसे तो अक्सर पूछता नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम किसी भी कंट्रीज का ज़्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर पूछ दे तो आप कर लेंगे। तो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं मून जैंग इन, और प्राइम मिनिस्टर है चुंग सेंग क्यून, प्रेसिडेंट है मून जा इन और प्राइम मिनिस्टर है चुंग से क्यूंग, तो ये हो गए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता कब डिक्लेयर हुई, यहाँ पे जो है साउथ कोरिया जो है डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं स्वतंत्र हूँ 1 मार्च 1990 में, ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, एक बार या दो बार मेरे ख्याल से पूछा भी है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में, सो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, इसने कब डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब इंडिपेंडेंट, मतलब मैं अब स्वतंत्र हो चुका हूँ। जापान से कब स्वतंत्र हुआ, मतलब जापान कंट्री से कब ये अलग हुआ, सितंबर 2, 1945। और यूएन, मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाया था, यूएन यूनाइटेड नेशन यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यह कब जुड़ा, यह जो है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं हो रही है, ये केवल साउथ कोरिया की बात हो रही है, क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ये दोनों अलग अलग हो गए, साउथ कोरियन पेनिनसुला पे साउथ के जो पार्ट है साउथ कोरिया के पास आ गया, नॉर्थ कोरिया के पास नॉर्थ पार्ट आ गया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। सो ये जो है साउथ कोरिया जो है यूनाइटेड नेशन में सितंबर 17, 1991 में ये जुड़ा था। ये हो गया कुछ पॉइंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर किया ये याद कर लीजिएगा, थर्ड पॉइंट जो है कि उसने इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता कब घोषित किया था कि मैं अब स्वतंत्र हो चुका हूँ।
जापान से इंडिपेंडेंट कब हुआ था और यूएन में एडमिट कब हुआ? उसका फ्लैग है, साउथ कोरिया का फ्लैग है, व्हाइट कलर का फ्लैग होता है और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, और बीच में ये देख लीजिए इसको क्या है, सर्कल है ऊपर, रेड ब्लू जो भी कहा जाता हो, तो ये जो है साउथ कोरिया का फ्लैग है। फिर आते हैं हम नॉर्थ कोरिया की तरफ। नॉर्थ कोरिया के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि वहाँ पे जो है राजतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है। एक ही मतलब एक ही पीपल पूरा मतलब कवर अप करता है, पूरा अपना राज ठाट वहीं पे वो करता है, उसका नाम भी आप लोग जानते होंगे। तो नॉर्थ कोरिया कंट्री इन ईस्ट एशिया, मैंने आपको बता दिया, जो नॉर्थन पार्ट कोरियन पेनिनसुला का लेता है वो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। जो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है टच करता है चाइना से नॉर्थ में और रसिया, एमनोक और ट्यूमेन रिवर से जो है, एमनोक और ट्यूमेन रिवर से जो है मतलब बीच में जो है नॉर्थ कोरिया के बीच में रसिया और साउथ को नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है एमनोक और ट्यूमेन रिवर जो है बीच में है और उसी जरिए रसिया से ये बॉर्डर शेयर करता है। और एंड टू द साउथ कोरिया, और ये जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से तो बॉर्डर टच करता होगा क्योंकि एक ही पेनिनसुला में है, कोरियन पेनिनसुला में ही ये है। सो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से बॉर्डर भी टच करता है। और इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हमेशा जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वह मैं बताऊंगा लास्ट तक। फिर आते हैं कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी। जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है? प्योंगयांग। नाम देख लीजिएगा, याद नहीं होता है लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे, मेरे से पढ़ लेंगे, उसके बाद नोट से पढ़ लेंगे, तो आपको मतलब ये याद तो नहीं होगा कि मतलब हमेशा के लिए याद तो नहीं होगा, लेकिन जैसे कि ये हो जाएगा कि अगर आप एमसीक्यू देखते हैं तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और ये हो सकता है। दैट अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो चार ऑप्शन सही लगेंगे, अगर पढ़ा होगा तो कहेंगे प्योंगयांग, पढ़ते ही आपको याद आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था नॉर्थ कोरिया का, ये हो सकता है कैपिटल। तो इस वजह से तो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्या है? प्योंगयांग। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की कोरियन है। लेजिस्लेचर है सुप्रीम पीपल्स असेंबली, मतलब सुप्रीम पीपल्स असेंबली वहाँ पे लेजिस्लेचर, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर करेंसी आ जाते हैं पीपल्स वॉन, यहाँ पे भी कोरियन वॉन ही है लेकिन केवल इसका नाम जो है कोरियन पीपल्स वॉन रख दिया गया, और ठीक है, तो करेंसी इसका भी सिंबल वही है। तो ये हो गया नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। गवर्नमेंट आप बता दीजिएगा कि क्या कहते हैं, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो आप अपनी जान लीजिएगा कि गवर्नमेंट वहाँ पे कैसी है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो 3 क्वेश्चन मैंने चाइना के ऊपर पूछे हैं, उसके बाद मैंने ये पूछा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, ईयर बता दीजिएगा केवल। 2 4 क्वेश्चन हो गए और 1 क्वेश्चन ये नॉर्थ कोरिया का गवर्नमेंट। 5 क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा मुझे, प्लीज़ दिया करिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आप इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान करे आप क्रैक भी करें और बढ़िया से वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज से पढ़ के बढ़िया बढ़िया जगह पे जाएं। सो प्लीज़ कमेंट किया करिए, हमको भी अच्छा लगेगा और आप भी पढ़ेंगे बढ़िया लगेगा। ये हो गया नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट आपको बताना है। तो ये नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है, ब्लू ब्लू स्ट्रिप होता है ऊपर, बीच में वाइट वाइट कलर का स्ट्रिप और बीच में रेड कलर में एक रेड स्टार होता है वाइट सर्कल में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट जैसे नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया भी यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है, वह कब जुड़ा? 17 सितंबर 1991 में जुड़ा। फिर आते हैं ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर, बस इतना ही है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर पूछ देता है कि वहाँ का जो मेन हेड है, जो कहा जाए राजा जो है, जो राज्य करता है वो कौन है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे। सो इसलिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो मैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ। साउथ कोरिया से ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोनस पॉइंट, बोनस क्वेश्चन चाहे कहो चाहे पॉइंट कहो। मैंने आपको कहा कि जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर शेयर करते हैं और उसका नाम जो है, उसका नाम क्या है? 38th पैरलल। 38th पैरलल उसको कहते हैं लोग नहीं, मतलब इसको कहा जाता है 38th पैरलल नाम है इसका, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर बनाते हैं। और ये जो 38th पैरलल यूरोप, मेडिटेरियन सी, एशिया, पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिका और एटलांटिक ओशियन से बीच मतलब जाते हैं, पास करता है। 38th पैरलल एक लाइन है,
वर्ल्ड मैप पे एक लाइन है 38th पैरेलल, जो यूरोप, मेडिटेरियन सी, एशिया, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका और एटलांटिक ओशियन से पास करती है, और वही जो है 38th पैरेलल ही जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर सेपरेट करती है। मतलब ये बताती है कि यहाँ से साउथ कोरिया स्टार्ट होता है और यहाँ से नॉर्थ कोरिया स्टार्ट होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38th पैरेलल, क्योंकि कई बार जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया कि 38th पैरेलल क्या है, कौन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर सेपरेट करता है। सो इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया, और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है सो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ये क्वेश्चन मैं नोट में नहीं दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इससे पहले की जितनी वीडियो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, सभी वीडियोज़ की लिंक दे दूंगा, मैं प्लेलिस्ट की लिंक ही दे दूंगा जेनू, वो उसमें जाके देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश और वर्ल्ड करेंट अफेयर में स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, इसी में लगा हुआ था तो इसीलिए लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। तो आपका वर्ल्ड करेंट अफेयर भी अब स्टार्ट हो जाएगा, और तैयारी करते रहिए। कोविड फिर से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या पता क्या हो, किस समय कब क्या हो जाए, अगर थोड़ा सा भी राहत मिलेगी तुरंत करा देंगे सब पेपर। सो प्लीज़ तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।